हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुलकर्णी सिटी लेके आना जी। दोस्तों आज मैं जो मेरा हीरो का इलेक्ट्रिक साइकिल है उसको मैं सर्विसिंग करने वाला हूं। आज मैं इसको पानी देके धोने वाला हूं। इसका जो नट बोल्ट है जो कि जितना भी इसमें टाइट देने का सामान है उसको टाइट देने वाला हूं, उसमें वायरिंग करने वाला हूं। ये पीछे आप देख सकते हैं मोटर जो है ये टूट गया है, तो बाइक में मुझे काफी दिक्कत होता है, तो इसको चेंज करने वाला हूं। इसका ब्रेक जो है ये भी मुझे चेंज करना है। इसका जो ब्रेक का सामने का पीछे का जो शू होता है वो घिस गया है, फिर सामने का जो डिस्क ब्रेक का पैड है उसको भी चेंज करना है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कैसे क्या करने वाला हूं मैं। तो दोस्तों ये सब जो सामान है मैं ये सारा सामान मेडिकल स्ट्रीट से लेके आया हूं, जो होलसेल मार्केट है उधर से आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। तो ये जो है सीट कवर है, ये हवा देने के लिए पंप है, और ये जो है पीछे का मोटर गार्ड है, हैंड होल्डर, ये जो है ब्रेक है पीछे वाला, ये साइकिल का लॉक, ये मेरा एक साइकिल सामने का जो टूट गया था तो ये मैंने चेंज किया है, और ये पुराना वाला है। तो ये एक्सीडेंट में मेरा ये लेफ्ट हैंड का ब्रेक टूट गया था। ये जो है वॉइलिंग, और ये है डिस्क पैड जो डिस्क पैड का सामने लगता है। अगर आपका डिस्क खराब हो जाए तो बस आपको ये पैड चेंज करना होता है। आप पूरा डिस्क मत चेंज करो, ये पैड चेंज करने से आपका काम मिल जाएगा। तो ये जो सारा सामान है मैं मेंटिंग स्टिक से लेके आया हूँ। आप यही सामान अपने लोकल शॉप से खरीदोगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। मैं वीडियो करते करते बता दूंगा कि कौन सी चीज़ का क्या प्राइस है। तो ये सारा मैं मेंटिंग स्टिक से लेके आऊँ और काफ़ी कम में पड़ा। आप अगर लोकल शॉप से सेम सामान लोगे तो आपको कितना महंगा पड़ेगा, और ऑनलाइन से लोगे तो आपको कितना महंगा पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसका जो पीछे का ब्रेक है मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। ये सामने का डिस्क पैड जो खराब हो गया है वो भी मैं चेंज करने वाला हूँ, सीट कवर लगाने वाला हूँ, और साइकिल को धोने भी वाला हूँ आज वीडियो में। तो आप लोग देखिए कैसे करना है क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगर मेरे चैनल पर नो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ अभी। तो मैंने सीट को निकाल लिया, ऐसे तो सीट को निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सीट को निकाला इसका ये फायदा होगा कि मुझे काम करने में ज़्यादा आसानी होगा। तो ये जो है इसका पीछे का मोटर है, मैं सामने का स्नीक चेंज करने वाला हूँ, सामने का ठीक है। सो उसके बाद पीछे का ही काम करूँगा मैं इस पर। तो ये जो है लोकल शॉप में मैंने इसको पूछा था, तो उधर मुझे जो प्राइस बोला था इसका सेट का जो प्राइस बोला था वो 250 का अराउंड था, और मैंने बेंगलिन स्ट्रीट से लेके आया उसको, जो मुझे पड़ा है कि 80 रुपीज़ का। इसका जो जिस शॉप से मैंने खरीदा उसका भी एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा शॉप को। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये पुराना वाला था, मैंने इसको निकाल लिया है, नया वाला इस पर लगाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो लग गया है। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें जो नट होता है बल्टू उसको ज्यादा टाइट मत कीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक का सामान होता है, ये टूट सकता है, तो इसको जितना जरूरत है उतना ही रखिए, इससे ज्यादा मतलब कस के टाइट देने की जरूरत है। तो अभी मैं इसका पीछे वाला जो ब्रेक है उसको चेंज करने वाला हूं, और सामने वाला जो ब्रेक शू है उसको चेंज करने वाला हूं। तो ये पीछे वाला ब्रेक का और ये सामने वाला ब्रेक का ब्रेक शूज एक बार आप देख लो। तो इसका जो प्राइस था, एक चीज़ का मुझे प्राइस पड़ा है 70 रुपीज़। मैंने ऐसे लोकल शॉप से पूछा था तो उन्होंने बोला था एक सिर्फ एक का प्राइस उन्होंने बोला था 170 रुपीज़। तो दो का पेपर मैं आपको ब्रेक भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ब्रेक बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है साइकिल का, मैंने ब्रेक लगाया है ये बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है, और पीछे का भी मैंने लगाया तो नहीं पकड़ रहा है। तो अभी मैं दोनों को चेंज करने वाला हूँ। ये पड़ा पीछे वाला पैड साइकिल का, और सॉरी ये सामने वाला जो डिस्प्ले में लगेगा, और ये पीछे वाला है जो कि ब्रेक है। तो ये जो मैंने लोकल शॉप जहाँ से मैंने साइकिल लिया था उससे पूछा था कि इसका प्राइस कितना है, उन्होंने एक का प्राइस मुझे 170 रुपीज़ बताया था, और मैं जो अभी होलसेल मार्केट से लिखा हूँ मेंटिंग स्ट्रीट में, तो इसको मुझे 70 रुपीज़ का एक पड़ा है, तो 140 रुपीज़ का पड़ा है, और उन्होंने एक का मुझे 170 रुपीज़ बताया था। ये जो ब्रेक के पीछे का ये 60 रुपीज़ है, ये मैंने लोकल शॉप से नहीं पूछा है। आप अगर पहले तो लोकल शॉप में आपको अगर इसका प्राइस पता है लोकल शॉप में आपका कितना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। तो ये मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि मुझे लगता है इस मेरे आसपास अगर पूछूंगा जितने भी साइकिल शॉप है वो 150 से नीचे तो नहीं देगा। जो भी इसको मैं चेंज करके अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या करना है। इसको खोलने के लिए हमें एलएन की चाहिए, एलएन की से इसका सामने वाला खोलूंगा, उसके बाद ये पैड लगाऊंगा और करते हैं। तो अभी मैंने इसको चेंज कर लिया है, आपको दिखा दूं इसके अंदर से जो निकला है पैड, आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी कुछ ही नहीं है इसमें। सो ये जो है मैंने करीबन 8-9 महीना चलाया इसको, उसके बाद मैंने निकाल दिया है। तो मैंने लगा लिया है अभी इसमें पैड, अभी ब्रेक लगाता हूँ, तो ये पकड़ रहा है ब्रेक, देख सकते हो। तो अभी आपको ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, अभी ये ब्रेक काम कर रहे हैं। अभी मुझे बस पीछे वाला चेंज करना है, ये पुराना पैड है जो मेरा अभी कोई काम का नहीं है। तो अभी जो पीछे वाला है वो भी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। इसका पहले देख लो, मैं पीछे वाला ब्रेक लगा रहा हूँ, ये पकड़ नहीं रहा है, चेंज कर लिया है। तो दोस्तों मैंने पीछे वाला ही चेंज कर लिया है, ये पुराना वाला है। तो मैंने दोनों को नहीं चेंज किया, एक ही चेंज किया बस इस साइड का, उस साइड का मैंने पुराना ही रख दिया है क्योंकि जरूरत नहीं है। अभी जब उसका घिस जाएगा उसका भी रबर, तो मैं उसको भी चेंज कर दूंगा। एक को मेरे पास बैठ बच गया है न्यू वाला, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो अभी इसका ब्रेक लगा के दिखा रहा हूँ, देख सकते हो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अभी।
तो अभी फिलहाल आगे से अच्छा काम कर रहा है, सामने वाले भी काफी अच्छा काम कर रहा है जिसका जिस जो पैंट मैंने चूज किया, और पीछे वाले भी बेहद अच्छा काम कर रहा है। अभी मुझे ये जितना भी इसका स्क्रू है उसको मैं टाइट देने वाला हूँ, जितना बोल्ट है वो मैं टाइट देने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं साइकिल को धोने वाला हूँ। ज्यादातर टाइम क्या होता है ना, ये जो चीज होता है ये दोनों साइड रहता है, ये गिरा हो जाता है, ये सब आपको बस टाइट देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। हर एक महीने बाद मैं इसको सर्विसिंग करता हूँ, तो एक महीने बाद इसको मैं बस टाइट देता हूँ और कुछ नहीं करना इसमें। उसके बाद साइकिल धोता हूँ, उसके बाद ऑयलिंग कर देता हूँ, और ये भी इतना डालना है मैं आपको बाकी बताता हूँ। तो बस एक ऐसा रेंज चाहिए आपको, और आप ऐसे टाइप का भी रेंज यूज कर सकते हो। बस टाइट देना है धीरे से। फिर मैं आपको साइकिल दिखा देता हूँ। तो सर्विसिंग मैंने कर दिया इसका, जो पीछे वाला ये मेरा लाइट टूट गया है, तो इसको मैं फिर देख के जोड़ने वाला हूँ। ये मैं देख सकता हूँ सेलो टेप लगाया इसके पीछे, क्योंकि बारिश में इसमें पानी घुस जाता है, इसके अंदर आती है। तो अभी साइकिल को मैं धोने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने इसका प्राइस बता दिया था, इसको भी कितने में लिया था वो बता दिया था। तो मैं आपको हर सामान का प्राइस एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये जो मेरा पीछे वाला कवर है ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का, लेकिन आप लोकल शॉप से लोगे तो 150 से लेकर 250 के अंदर आएगा। जो इसके अंदर मैंने डिस पैड लगाया, मैं एक बार आपको पैड दिखा देता हूँ। सो मैंने इस पर पैड लगा लिया है। तो ये जो पैड है ये मुझे पड़ा है 1 पीस 70 का, दो लोगे तो आपको 140 का आएगा, लेकिन आप जो लोकल शॉप है उस पे से लोगे तो एक का ही प्राइस आपको 170 रुपीज़ का आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा सीट कवर। ये मैंने पूछा था, ये मुझे 650 का बोला था, और ऑनलाइन जो प्राइस है मैं आपको वो दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ का, मैं लोकल शॉप से जो बेंडिंग स्ट्रीट में शॉप है उधर से लेके आया हूँ। उस शॉप का वीडियो भी मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा। ये हवा देने के लिए पंप है, इसका नोजल मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा है। तो इसका जो प्राइस है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका प्राइस। ये ऑयल है कुछ, ये ऑयल है, ये कुछ मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। ये हाथ पे लगाने वाला इसका मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा है। ये जो लॉक है ये मुझे 60 का पड़ा था, जिसको मैं काफ़ी दिन पहले यूज़ करता था, अभी ये लॉक को भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। अभी ये जो ब्रेक है ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको थोड़ा सा मैं टूल्स दिखा देता हूँ अपना, बस इतना सही टूल्स है मेरे पास, इससे ही मैं साइकिल पर सर्विसिंग कर लेता हूँ। आप जितना पैसा एक सर्विसिंग मैन को दोगे उसमें उतने पैसे में आप कुछ सामान टूल्स खरीद सकते हो लोकल मार्केट से जाके, आप थोड़ा बहुत टूल से आपका काम मिल जाएगा, इतना सारा टूल्स मुझे लगता भी नहीं है। अभी जो लॉक आप देख पा रहे हो मैं इस पर लगाने वाला हूँ, ऑलरेडी ये मेरे साइकिल पे लगा हुआ था, लेकिन मैंने इसको क्यों खोला, तो मैं एक ना इंडियन साइकिल में जैसे कवर होता है मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, तो ऐसा वाला मैं एक पानी वाला जो मॉडगार्ड होता है वो लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसमें पानी कम आएगा मुझे इतना, मतलब एक शो ऑफ के लिए होता है और यूज के लिए होता है। तो मैं जब रस्ते में निकलता हूँ तो इसमें बहुत ज्यादा पानी आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इंडियन वाला लगा लेता हूँ तो उसमें पानी कम आएगा, लेकिन इंस्टॉल करने की कोशिश किया वो हुआ नहीं। उसके बाद मैंने ये वाला फिर वेस्टर्न जो मॉडगार्ड होता है वो लगा लिया, इसलिए वो इंडियन जो मार्केट है मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। तो उसको लगाने के लिए मैंने ये लॉक खोल दिया, तो अभी फिर से मुझे ये लॉक को लगाना होगा। ये लॉक आराम से लग जाएगा, आप अगर सोच रहे हो कि इंडियन लॉक है कैसे लगेगा वेस्टर्न साइकिल में, साइकिल में, तो ये लग जाएगा आराम से, अभी आपको पता लग जाएगा कैसे लगाना। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आपको लॉक लगा के दिखा दिया, ये लॉक लग गया है, लॉक ओपन हो गया है। अभी मैं साइकिल को पूरा पानी से धोने वाला हूँ, ठीक है, पानी से सर से धोने वाला हूँ। उसके बाद इसमें हवा डालूंगा, इसमें सीट लगाऊंगा, और इसमें हैंडल का जो कवर है वो लगाऊंगा, और इसमें ऑयलिंग भी करूंगा। तो देखिए आप लोग कैसे करना है क्या। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मैं पहले वो आपको बता दूँ। आप कहीं भी कैसे भी साइकिल लेते हो ना, कोई भी शॉप से, तो आप उधर से साइकिल लेने के बाद सोचते हो कि मैं उसका मॉडल भी उसके पास से ले लूँ, इसका जो बेल है, इसका जो बाकी के सामान है जो लगता है साइकिल में नॉर्मली, जो लॉक है वो सब लगता है, तो आप सोचते हो उसके हिसाब से ले लूँ, लेकिन वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस लेता है उस चीज़ का।
मतलब फायदा लुटता है, एक साइकिल का प्राइस ले रहा है, उसके बाद आपसे जो छोटे मोटे सामान जो बेचते बेचना चाहते हैं और बोलते लगा लो लगा लो, तो उसका आपको काफी ज्यादा प्राइस पे करना होता है। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप वेन्यू से जानते हो, तो आप जाओ होलसेल मार्केट से उधर से लो और काफी कम प्राइस में आपको मिलेगा। तो मतलब उन शॉप से मतलब जहां से आप साइकिल खरीद लो बस साइकिल ही खरीदो, और बाकी जो सामान है लिस्ट बनाओ लेके जाओ, आप एक बार खुद जाकर आपको पता लगेगा कि कितने चीप प्राइस में आप उधर से ले सकते हो, और जो लोकल शॉप था जहां से आपने साइकिल खरीदा उन्होंने कितना आपको एक्सपेंसिव बोला था इस चीज का। यही बस मुझे आपको इस वीडियो में बताना था और ये सर्विसिंग में दिखाना था। तो अभी मैं साइकिल को धोता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। खास नहीं, आपको बस सर्फ का पानी लेना है, इसके अंदर सर्फ है, उसका पानी से धोना है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको साइकिल धोने वाला अलग से कुछ लेना है। मैं इस साइकिल को महीने में एक से दो बार धोता हूँ, अभी कुछ दिनों से काफी बारिश हुआ था इसलिए इतना कचरा हो गया। तो अभी मैंने पूरा साइकिल को साफ कर लिया है पानी से, अभी इसी जो पानी वाला कपड़ा था उसमें छोड़ रहा हूँ, और इसी साइकिल को लास्ट बार फिनिशिंग टच में मतलब साफ कर लूंगा एक बार लास्ट बार के लिए। तो मैंने अभी इसको साफ कर लिया, इसमें ऑयलिंग करूंगा अभी और उसके बाद सीट कवर ये लगाने वाला हूँ। तो बस इतना ही बताना था कि साइकिल को सर्विसिंग करना ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, आपके पास छोटा मोटा जो टूल्स होगा उसे आप सर्विसिंग कर सकते हो। फालतू में आप कोई दुकान पर लेके जाकर सर्विसिंग करोगे तो आपको 50-20 रुपीस का एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेंगे, और 15 डेज और 30 डेज में एक बार साइकिल को धोया करो, उसको मेंटेन सही से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि अभी एक साल होने वाला है मेरे इस साइकिल को, और अभी भी इसमें ज्यादा खास कोई दिक्कत नहीं आया है, छोटा सा दिक्कत है जो टोटल में है। कभी कभी मैं टोटल देता हूँ, मतलब चार बार अगर टोटल देता हूँ तो दो बार कभी कभी टोटल से धक्का नहीं घूमता है, मतलब पीछे वाला मोटर नहीं कम करता है। मुझे लगता है कोई कुछ सेंसर में कुछ प्रॉब्लम होगा, वो मैं ठीक करूंगा बाद में। तो बस एक छोटा सा दिक्कत था, दूसरा और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है साइकिल में। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट था इस वीडियो को बनाने का मकसद, जो मैंने पहले भी बोला था कि आप अगर कहीं से साइकिल खरीद रहे हो तो साइकिल लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान लगता है पीछे मोड़गा जो भी आप एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो आप उनके पास से मत लो, आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। आपके पास अगर काफी ज्यादा पैसा है तो आप ले सकते हो, अगर आपके पास बजट कम है तो आप बस साइकिल लो और बेंटिंग सीट में चले जाओ। मैं आपको लास्ट में वीडियो भी दिखा दूंगा, तो बेंटिंग सीट में जो शॉप है उधर से लो, आपको काफी सारा शॉप मिल जाएगा। तो मैं जिस शॉप से ज्यादातर सामान लेता हूँ वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, तो उधर से लोगे तो आपको काफी चीप प्राइस में काफी सारा सामान मिलेगा, और आप सोच भी सकते हैं कि आपको जो लोकल शॉप था उसमें जितना प्राइस होता है तो उससे आधे से भी ज्यादा कम प्राइस में आपको मिल रहा है वो सामान। आप चाहे एक ले सकते हो, आप चाहे 10 ले सकते हो। तो इतना ही बताना था आप सबको। आप दोस्तों धूप में बैठ के आप देख सकते हो, काफी ज्यादा धूप है इसमें बैठ के मैं काफी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक करोगे मुझे सपोर्ट करोगे तो आगे भी मुझे वीडियो लाने का मन करेगा। तो आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी मैं इस साइकिल के बारे में और भी डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। साइकिल धोने के बाद साइकिल कैसा दिख रहा है ये मैं आप सबको एक बार दिखा देता हूँ। ये साइकिल में काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया था क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसकी वजह से मुझे साइकिल धोने का भी टाइम नहीं मिल रहा था और साइकिल में काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया था। ये धोने के बाद अभी थोड़ा सा साफ सुथरा दिख रहा है। तो अभी इसमें मैं ऑयलिंग करने वाला हूँ, ज़्यादा कहीं नहीं, बस आपको ये पीछे ऑयलिंग देना है जो कि मोटर के पास है, फ्रीजर जो है थोड़ा सा ऑयल चेंज में डालना है, थोड़ा सा सामने की टायर पे ध्यान रखना कि डिस में आपका ब्रेक नहीं, डिस में आपका जो ऑयल है वो ना लगे, नहीं तो आपका ब्रेक नहीं पकड़ेगा, तो डिस में आपको बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं करना है। फिर थोड़ा सा पैटर्न के पास करके इसको थोड़ा सा घुमा देना है, बस काम खत्म। ऑयलिंग और कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इधर दे दो आप सामने हमें, और कुछ नहीं ऑयलिंग का काम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हवा कैसे डालना है साइकिल में, आपको पता कैसे लगेगा कि कितना हवा रहना चाहिए साइकिल में। तो ऐसे इसमें हवा है काफी सारा, तो मैं थोड़ा सा हवा निकाल रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे। तो मैंने हवा निकाल दिया है, अभी इसमें बहुत ही कम ही है, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे आपको पता लगेगा कि हवा कितना डालना है। अभी मैं हवा दे रहा हूँ तो पंपर पूरा नीचे तक जा रहा है, जब ये पंपर ना मुझे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स करेगा तब मुझे पता लग जाएगा कि इसमें हवा कम चली है, तो अभी ये थोड़ा नीचे तक जा रहा है। अभी एक चीज देखो, मैं हवा दूंगा तो ये बाउंस करके वापस मुझे फेंकेगा, देख सकते हो ये बाउंस कर रहा है बार बार वापस, इसका मतलब इसमें हवा फुल हो गया है, नीचे तक नहीं जा रहा है। तो जब भी हवा देने के बाद आपको बाउंस ही फील होगा कि अभी आपको बाउंस कर रहा है हवा, मतलब पूरा नीचे तक ये नहीं जा रहा है, नीचे ऐसे नहीं जा रहा है कि जितना जाके फिर बाउंस कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि इतना ही हवा इस पे जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए मेरा साइकिल सर्विसिंग हो गया है, इसका जो हैंड ग्रिप है इसको मुझे काटना पड़ेगा, ये मैं बाद में काट लूंगा। अच्छा अभी मैं आप सबको लेके चलता हूँ बेंटिंग स्ट्रीट वाले शॉप पे, उससे पहले मैं बता दूँ ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है,
बिंटिंग स्ट्रीट में आपको और भी सारे लोकल शॉप मिल जाएंगे, आप उधर से भी सामान ले सकते हो, लेकिन मुझे इधर से सस्ते में मिलता है इसलिए मैं इधर से लेता हूँ। आप कोई और शॉप में जाके प्राइस इंक्वायरी भी कर सकते हो। सो ये है दोस्तों बिंटिंग स्ट्रीट में शॉप, तो शॉप के अंदर मैं आपको लेके आता हूँ। इधर से आपको होलसेल में एक एक सामान चाहिए वो भी आप ले सकते हो, मैं आपको कुछ सामान दिखाऊंगा अभी। ये शॉप है, आप थोड़ा सा हमें कुछ प्रोडक्ट दिखाइए आपके शॉप में क्या क्या मिल जाएगा। देख पा रहा हूँ इसका दाम कितना होगा, इसका आपका दाम पड़ेगा 90 से 95 रुपए तक। ये लोकल शॉप में कैसे इसका आपसे मतलब ज़्यादा ही होगा? हाँ हाँ ज़्यादा ही होगा, ये क्वांटिटी ज़्यादा लेने से थोड़ा कम बेसी हो जाएगा। कम बेसी हो जाएगा, हाँ क्वांटिटी से मतलब है इसका। तो लाइट है, ये जो रिंग देखा आपका लाइट प्लस हॉर्न है, ये 150 से 160 तक पड़ जाएगा। इसका ऑनलाइन में दाम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोकल मार्केट में ज़्यादा कम से मिल जाएगा। लाइट प्लस हॉर्न है, इसमें हॉर्न भी बजता है लाइट भी बजता है, एक साथ दोनों काम होगा। हाँ एक साथ दोनों काम होगा। ये आपका एक टोन बजेगा इसमें, आठ तरह की साउंड है इसमें। अच्छा हाँ तरीके से इसका दाम आपका 95 ही पड़ेगा। 95 पड़ेगा, हाँ लोकल शॉप में ये 150 और 180 लेगा, उसमें फिट कर देगा और 200-300 चार्ज ले लेगा। चार्ज ले लेगा। ये जो लॉक देख पा रहा हूँ इस सबका प्राइस कैसा आएगा? ये ऑर्डिनरी लॉक है, 60 से 65 का आएगा, ये 10 लेने से 55 में आ जाएगा। 10 लेने से 55 में आ जाएगा। ये आपका एलॉय का ट्यूब है, ये जो एसएमआईपी रिंग होता है उसमें लगता है, इसमें बाइक का नॉजल है, एसएमआईपी का नॉजल है। 150 से 140 तक मिल जाएगा। शोरूम है, इसमें थोड़ा थोड़ा माल रहता है, गोडाउन से अलग अलग माल लग रहता है। कोई मतलब एक दो सामान लेना चाहिए वो भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा सामान लेना चाहिए वो भी हो सकता है। सब मिल जाएगा, ऐसा सब चीज़ है, एक दो नहीं मिलेगा, पिछला जो माल है एक दो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो पंपर देख पा रहा हूँ इसका प्राइस कैसा आएगा? चाइना का पंपर है। ओके, ये आपको मिलेगा 160 से 150 तक। ये जो लेने से आपको 150 का मिल जाएगा। ये 250 से 150 में मिल जाएगा। ये गियर साइकिल में लगता है। एमटीवी ग्रिम मार्जिन ट्रिक पर आसबो सिमानो का गियर है। ये कैसा आएगा प्राइस? इसका प्राइस 400 से 450 तक मिल जाएगा। आप अपना फोन नंबर बता सकते हो? हाँ फोन नंबर बता सकते हो, लेकिन फोन नंबर से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अननेसेसरी वहाँ कॉल आता है तो हमारे पास प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए फोन नंबर नहीं बता सकते, लेकिन आप हमारा दुकान का एड्रेस ले सकते हो, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो। मतलब कोई भी आना है तो डायरेक्ट दुकान में। तो दोस्तों ये है होलसेल शॉप, आपको अगर एक सामान लेना है 10 सामान लेना है आप इधर से ले सकते हो, ऐसे आपको 50 शॉप इधर मिल जाएंगे। आपको इस जगह का एड्रेस गूगल लोकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उधर चेक कर लेना। दोस्तों मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि इस साइकिल में मैंने इंडियन साइकिल का मॉडगार्ड लगाने का कोशिश किया था, तो वो लगा नहीं, तो वही छोटा सा वीडियो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे क्या कोशिश किया था लगाने का, इसका जो लॉक है उसको कैसे खोलने की कोशिश किया था, वही मैं आपको इस वीडियो में के एंड में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर मेरा ये छोटा सा 15 मिनट का वीडियो जिसको बनाने में मुझे 15 आवर्स का टाइम लगा है, ये मेहनत अगर आप सबको पसंद आए प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ लेकिन इस बार बोलूँगा वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों को पता नहीं है कि होलसेल मार्केट से आप एक दो सामान ले सकते हो वो भी कम प्राइस में, उनको भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।